सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया तो कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर छा गई। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी राजस्थान विधानसभा पहुंची। उनके नामांकन के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। सोनिया के जयपुर पहुंचने के बाद ही पार्टी ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की थी। सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की खाली हो रही सीट से राज्यसभा जाएंगी। उनके नामांकन से कांग्रेस के स्थानीय नेता खासे उत्साहित हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोनिया गांधी के इस फैसले का स्वागत किया है। एक इतिहास उन्होंने बना लिया और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, तो मैं गर्व है कि जिसने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया हो वो एक महान नेता और कई वो किसी राज्य में जाके बन सकती थी राज्यसभा मेंबर, उन्होंने चयन किया अगर राजस्थान का। आज ये खबर पूरे देश में दुनिया में जाएगी कि सोनिया गांधी जी जो महान नेता देश की, वो उन्होंने राज्यसभा में राजस्थान से जाने का चयन किया है। तो आप सोच सकते हो राजस्थान का जो राजस्थान की चर्चा देश की दुनिया में होगी आज। ऐसा पहली बार है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य राज्यसभा के लिए राजस्थान से निर्वाचित होने जा रहा हो। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने से नया जोश पैदा होगा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसके लिए पूरा जोर लगा देंगे। शानदार स्वागत हो रहा है कि इससे हमें बहुत बल मिलेगा, कांग्रेस को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी और राजस्थान में हम आपके नेतृत्व में और उनके साथ के नेतृत्व में बहुत अच्छा लोकसभा में प्रदर्शन करेंगे। और आप सब विधायकों की ओर से निवेदन करना चाहता हूं, पार्टी के तमाम वर्कर की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि हम जान लगा देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा नेता राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी सोनिया गांधी के फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया। पायलट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि आज कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय सोनिया गांधी जी को राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। मैं इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और राजस्थान कांग्रेस एवं समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सोनिया गांधी का जीवन त्याग, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतिबिंब है। उन्होंने हमेशा देश सेवा के धर्म को प्राथमिकता दी और लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा सदैव उनके लिए सर्वोपरि रहा है। उनका उच्च आचरण और मार्गदर्शन हमारे लिए एक मिसाल के रूप में रहा है। उनका मार्गदर्शन मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है और अब राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में सोनिया गांधी जी के नाम की घोषणा हम सभी के लिए गर्व की बात है। उनकी उम्मीदवारी न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं बल्कि राजस्थान की जनता में भी एक भरोसे और उत्साह का संचार करेगी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के निर्वाचन के बाद राजस्थान से कांग्रेस के 6 राज्यसभा सांसद हो जाएंगे। इनमें से नीरज डांगी के अलावा 5 सांसद बाहरी हैं। नामांकन के बाद सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली लौट आई हैं। राजस्थान में कांग्रेस के नेता चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।